हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वाद सर्वोपरि। आज मैं आपके लिए काजी वड़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। होली के त्यौहार पर इसको खास तौर से बनाते हैं, तो आइए सबसे पहले इसके लिए काजी बना लेते हैं। काजी बनाने के लिए आप एक कांच का साफ जार ले लीजिए। इसके लिए आप आरओ वाटर डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जार में 2 लीटर करीब करीब आरओ वाटर ऐड करिए। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून येलो राई सीड्स, 1 टेबलस्पून ब्लैक राई का पाउडर। यहाँ पर आपको ब्लैक छोटी वाली राई यूज़ करनी है। 1 TSP ब्लैक सॉल्ट और 1 TSP नॉर्मल सॉल्ट डालिए। आधा चम्मच हल्दी डालिए और आधा चम्मच रेड चिल्ली पाउडर ऐड करिए और 1 पिंच हींग, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर आप स्पाइसेस चेक कर लीजिए और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप और ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने काला नमक और रेड 1/2 TSP रेड चिल्ली पाउडर ऐड किया है। स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करें और इसमें 1 TSP मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दीजिए। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको मस्टर्ड ऑयल नहीं पसंद तो मत डालिए, बट मस्टर्ड ऑयल से इसमें एक बहुत अच्छा अचारी टेस्ट आता है। मस्टर्ड ऑयल कच्चा यूज़ करना है। अब आप इसकी लिड लगा के इसको 3 से 4 दिन के लिए सनलाइट में रख दीजिए। मैंने इसको 2 दिन बाद चेक किया और थोड़ी सी स्पाइसेस ऐड करनी थी, 1 टेबलस्पून ब्लैक राई और थोड़ा सा सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड किया है। अब हम इसको फिर से धूप में रख देंगे। 3 दिन के बाद मैंने इसको चेक किया और कांजी बहुत ही अच्छी तैयार हो गई है। ये पूरी तरह से रेडी है। अगर आपको खट्टी कम लगे तो आप 1 दिन और बाहर रख सकते हैं धूप में। कांजी रेडी है और चलिए अब हम वड़ा तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप मूंग दाल ओवरनाइट भिगो दी थी। येलो मूंग दाल यूज़ करी है यहाँ पर और साथ में 1/2 कप व्हाइट उड़द दाल भी रात भर भिगो दी थी। दोनों दालें पूरी तरह से भीग के तैयार हैं। सबसे पहले येलो मूंग दाल का सारा पानी निकाल देंगे और अब उस दाल को मिक्सर जार में ऐड कर दीजिए। दाल पीसते समय पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, नहीं तो आपका बैटर जो है बहुत रनी हो जाएगा और उसकी वजह से आपके वड़े अच्छे नहीं बन पाएंगे। अब इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा पीसेस करके डाल दीजिए और 1 पिंच हींग और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा सा सॉल्ट डाल के हम इस दाल को पीस लेंगे। दाल पीसते समय मैंने 3 से 4 चम्मच पानी यूज़ किया है और ये देखिए कोर्सली उसको ग्राइंड किया है, बहुत ज़्यादा उसको बारीक नहीं पीसना है। अब इस मूंग की दाल को एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। अब उसी जार में हम उड़द की दाल ऐड कर देंगे। उड़द की दाल का पानी बिल्कुल निकाल देना है और इसको भी पीसते समय बहुत पानी यूज़ नहीं करना है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना पानी ज़रूरत हो थोड़ा थोड़ा करके बैचेस में डालिए और पीस लीजिए। ये पेस्ट भी कोर्सली ग्राइंड करना है, बहुत ज़्यादा स्मूद नहीं करना है। इन दोनों दालों को हम एक ही बाउल में मिक्स कर देंगे। वड़े सिर्फ मूंग की दाल से भी बनाए जा सकते हैं, पर मैं यहाँ पे उड़द और मूंग की दाल दोनों मिक्स करके यूज़ कर। बैटर को स्मूद और फ्लफ़ी बनाने के लिए उसको हम 5 से 6 मिनट करीब करीब अच्छे से एक स्पून की हेल्प से या विस्कर की सहायता से उसको अच्छे से बीट करेंगे। दाल को बीट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर वो अच्छे से फ्लफ़ी और लाइट नहीं बनेगी तो आपके वड़े भी उतने सॉफ्ट नहीं बनेंगे। ये देखिए दाल रेडी है। एक थोड़े से पानी में हम उसको डाल के देखेंगे, एक बाउल में दाल ऊपर आ रही है, इसका मतलब हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। अब हम कढ़ाई में ऑयल ले लेंगे वड़ों को तलने के लिए। वड़ा आप किसी भी ऑयल में तल सकते हैं, चाहे तो मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल अगर यूज़ करें तो उसको पहले अच्छे से मैक्सिमम तक गर्म कर लें और फिर उसको वापस नॉर्मल टेम्परेचर पर लाकर फिर उसमें वड़े तलें। अब इस ऑयल में छोटे छोटे बॉल्स बैटर के डालेंगे। आपको वड़े मीडियम फ्लेम पे ही तलने हैं।
ज़्यादा हाई फ्लेम पे तलने से होगा क्या कि वड़े बाहर से सिक जाएंगे बट अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पे आप आराम से वड़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक तलिए। देखिए ऑयल में डालते ही वड़े अपने आप राइस कर जाते हैं, इससे पता चलता है कि हमारा बैटर भी बहुत अच्छा बना हुआ है और वड़े बहुत ही सॉफ्ट तैयार होंगे। अब जैसे जैसे वड़े गोल्डन ब्राउन कलर के हो रहे हैं इसका मतलब ये रेडी हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरह से आप बाकी का बैटर भी यूज करते हुए वड़े सेक लें और धीरे धीरे हमारे सारे वड़े बनके तैयार हो गए हैं। इन्हीं वड़ों को आप दही वड़ा बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब सारे वड़े सेक के तैयार हो गए हैं, देखिए कितना अच्छा कलर है, गोल्डन ब्राउन कलर के बने हैं। अब हम एक पतीले में पानी गर्म करने चढ़ाएंगे। पानी अच्छे से बॉईल हो जाना चाहिए, गैस को बंद कर दीजिए और इस गर्म पानी में जितने वड़े आपको यूज करने हैं उतने आप उसमें डिप करके छोड़ दीजिए, पतीले को ढक दीजिए और 15 से 20 मिनट के बाद आप देखेंगे कि हमारे वड़े बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये देखिए उसको दबा के आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट बने हैं। अब इनको पानी में से बाहर निकाल लें। जितने वड़े आपको बनाने हैं उतने ही पानी में भिगोइए और बाकी वड़े आप एक बर्तन कंटेनर में करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। 5 से 6 दिन तक आराम से ये चलेंगे। बाद में जब वड़े थोड़े ठंडे हो जाएं तो बस उनका एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकाल दीजिए। अब देखिए एक बाउल में जो हमने कांजी बनाई थी उसको अच्छे से हिलाते हुए ताकि उसके सारे स्पाइसेस मिक्स हो जाएं, अब उस बाउल में कांजी का पानी डालेंगे। कांजी के पानी में थोड़ा सा अच्छा कलर और थोड़ा सा टेस्ट के लिए आप उसमें थोड़ी हरे धनिए की पत्तियां डाल दीजिए और बाकी जो वड़े हमने भिगोए थे उनको पानी में ऐड कर देंगे। इसको 10 से 15 मिनट तक पानी में डिप रहने दीजिए ताकि वड़े पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकें और उसमें कांजी के पानी का टेस्ट आ जाएगा। देखिए वड़े कितने सॉफ्ट तैयार हुए हैं। अब ये डिलीशियस कांजी वड़ा रेसिपी तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।